रेडी, यहाँ पे सब मैदान में पड़े हुए। यहाँ पे पहली गेंद तीर को हर्ष द्वारा स्टार्ट होती हुई मैच, जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे मंथ वॉरियर्स एंड धोनी फाइटर के बीच में। पहला बॉल तीर को काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते रन आउट का चांस था गवा दिया विपुल ने। काफी अच्छी बॉलिंग डालते हुए एक रन निकालते हुए अपने टीम के लिए धोनी फाइटर। मैच स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे स्पॉन्सरशिप आती हुई रोसड़ा द्वारा करमबिली से प्रदीप भाई। यहाँ पे पहली विकेट, यहाँ पे कैच ड्रॉप करते हुए प्लेयर कौन है थोड़ा बंकिंग, जो कि बहुत बड़े स्पॉन्सर है, उन्होंने ही कैच ड्रॉप कर दी। चेतन को जीवनदान मिलता हुआ कैच ड्रॉप हुआ कीजिए सब गांव में। और गेंद डालते हुए तीर को ऐसी गेंद करोगे तो ये बाहर ही जाएगी, काफी लंबा शॉट, 6 रन की ओर जबरदस्त शॉट लगाते हुए तीर। खूंखार खिलाड़ी है तीर, अगर ये टिक गए तो 70-80 रन हो जाएंगे। लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है। अगली गेंद पे जबरदस्त पार करते हुए सीमा से काट के पार, 6 रन मैक्सिमम 6। ये दूसरा छक्का धीर के बल्ले से निकलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं धीर, इनको आउट करना बहुत जरूरी है। अगर ये टिक गए तो 80 रन पक्के हो जाएंगे, ऐसी गेंदबाजी नहीं करनी होगी उनको। अगर यहाँ पे ऐसी बॉल डालेंगे खाने का बंदोबस्त भी चेतन तरफ से रखा गया है। काफी बढ़िया शॉट लगाते हुए लेग की तरफ से यहाँ पे 4 रन, बढ़िया शॉट लगाते हुए चेतन। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जिग्नेश रोहित पाली की तरफ से रखा, जबरदस्त लगाते हुए पहाड़ करते हुए 6 रन। यहाँ पे इतनी खींच के मत मारो, माफ कीजिएगा 37 रन। एक और अच्छी गेंद और जी हाँ विवेक आप अपने 151 रुपए गवाते हुए और उमेश यहाँ पर 151 रुपए प्राप्त करते हुए। जी हाँ मेरे ख्याल से यही इनको लंच में अगर कुछ मन किया तो नाश्ता करने के लिए काम आ सकते हैं। अभी चेतन 18 रन बनाते आउट होते हुए, अच्छी पारी खेली, 13 गेंद में 18 रन की पारी खेली, एक ओपनिंग बल्लेबाज का अच्छे से उन्होंने सेट बल्लेबाज आउट होते हुए जरा सही कर सकते हैं। लेकिन एक और अच्छी गेंद हवा में गेंद जाती हुई और ये विकेट कप्तान का विकेट चुराते हुए दर्श। जी हाँ मैं कह रहा था ये गेंदबाज ऐसा है कि आपको एक ही ओवर में दरा सही कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका दिन खराब हो तो ये खुद की टीम को भी डुबा सकते हैं, ऐसे ही गेंदबाज है। अपने फॉलो थ्रू में विकेट लेते हुए दर्श
उसके अंदर सिर्फ 3 रन और 2 विकेट आई है, तो काफी बढ़िया कमबैक कहूंगा मंथ वॉरियर्स की ओर से। जब से चेतन और धीर का विकेट गिरा है रन रुके हुए हैं। जी हाँ, अगर कप्तान एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 13 रन इनके हाफ सेंचुरी में 13 रन बाकी, तो उतने तो आना ही चाहिए। और देखते हैं दर्श क्या करते हैं। दूसरी गेंद घुमाया हवा में, गेंद हर्ष कैच और काफी अच्छा कैच लपक लिया। और याद दिला दो, ये पहला ही मैच एक और शॉट खेला है हवा में है और हैट्रिक, और ए हैट्रिक पहली ही मैच पहली ही इनिंग और हैट्रिक चुरा। और काफी इन्होंने अरविंद की पहली गेंद, पहली गेंद पे 6 रन ऐसी बॉलिंग की उम्मीद नहीं थी। उनका वाइड दिखाने का इशारा भी काफी सही है। तीसरी गेंद अरविंद की ओर से एक और छह और मैक्सिमम। और ये देखिए इनकी स्टाइल देखिए बहुत बढ़िया, एक और मैक्सिमम यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है अरविंद को यहाँ पे कुछ लंबी दूरी बॉलिंग डालनी होगी। और ये उठाया हवा में बॉल, नीचे फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच हो सकता है कि नहीं। और ये कैच पकड़ लिया, शानदार कैच। एज पकड़ा है ये नयन है। यहाँ पे जो दूसरी मैच खेला जाएगी पीएनजी वॉरियर्स एंड पीएनजी वॉरियर्स ने टॉस जीता। विजय भाई ने हवा में गेंद, फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप होता था। एक रन मिलेगा दूसरे 23 ओवर में, चौका या छक्का लगाते उठाया ऊपर, उठाया है काफी ऊपर गया है गेंद और ये सीधे हाथ में। दूसरी गेंद लेके चेतन सामने है कप्तान, उठाया है गैप पे खेला हुआ और 4 रन निमेश के बल्ले से खुद कप्तान के बल्ले। अगली गेंद लेके और वापस उठाया है गैप पे 6 रन और ये मैक्सिमम। और खेला है हवा में 6 रन के लिए।
फिर अपनी पांचवी गेंद लेते हुए विपुल को, और विपुल ने गैप पे खेला है और ये मैच खत्म। यहाँ पे विनिंग शॉट लगाते हुए विपुल, जो कि